स्टॉक मार्केट में लगातार चौथे दिन खरीदारी का रुझान रहा और घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। बाजार की तेजी में निवेशकों ने 2.39 लाख करोड़ रुपए कमा लिए। वहीं चार दिन में निवेशकों की पूंजी 11.11 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। अब इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सों की बात करें तो सेंसेक्स आज 0.98% की बढ़त के साथ 72,038.43 और निफ्टी 1% की मजबूती के साथ 21,654.75 पर बंद हुआ। सेंसेक्स पहली बार 72,000 और निफ्टी पहली बार 21,600 के पार पहुंचकर बंद हुआ है। मार्केट को आज लगभग हर सेक्टर के शेयर से सपोर्ट मिला। HDFC बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती की नियुक्ति को फिर से मंजूरी मिली है, जिसके चलते इसके शेयर 1% से ज्यादा उछल गए। हैवीवेट शेयर होने के चलते इंडेक्सेस को इससे सपोर्ट मिला। आज निफ्टी के मीडिया और ऑयल एंड गैस को छोड़ सभी सेक्टर के इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए, हालांकि इनमें भी गिरावट 0.5% से कम रही। निफ्टी बैंक आज 1.20% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। बाजार की तेजी के चलते 27 दिसंबर को निवेशकों को शानदार मुनाफा हुआ। एक कारोबारी दिन पहले यानी 26 दिसंबर 2023 को BSE पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 358.92 लाख करोड़ रुपए था। 27 दिसंबर 2023 को ये उछलकर 361.31 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी में 2.39 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। वहीं 20 दिसंबर को मार्केट कैप का यह आंकड़ा 350.20 लाख करोड़ रुपए था, यानी चार दिनों में मार्केट की तेजी में निवेशकों ने 11.11 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। अब बात करते हैं कि 28 दिसंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। प्रोग्रेसिव शेयर्स के डायरेक्टर आदित्य गग्गर का कहना है कि आज कारोबारी सत्र में भी तेजी जारी रही। निफ्टी 50 ने आज दिन की मजबूती के साथ शुरुआत की थी। RSE में बियरिश डाइवर्जेंस के चलते दोपहर के सेशन में मामूली करेक्शन देखने को मिला। हालांकि ऑटो, बैंकिंग और मेटल शेयर में बाद में आई खरीदारी ने निफ्टी को 213.40 अंक की बढ़त के साथ 21,654.75 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद होने में मदद की। आज के कारोबार में मिड और स्मॉल कैप ने कमजोर प्रदर्शन किया, क्योंकि बड़ी खरीदारी केवल इंडेक्स शेयर में देखने को मिली। निफ्टी के डेली चार्ट पर एक मजबूत बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना, जो तेजी का ट्रेंड कायम रहने का संकेत है। अब निफ्टी के लिए अगला रेजिस्टेंस 21,860 के आसपास होगा, जबकि नीचे की ओर 21,510 पर सपोर्ट नजर आ रहा है। LKP सिक्योरिटीज के रूपक डे का कहना है कि निफ्टी में आज अच्छी तेजी देखने को मिली, क्योंकि पुट राइटर्स ने 21,500 पर काफी पोजीशन बनाई है। इसके अलावा डेली चार्ट में कंसोलिडेशन से एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI एक बुलिश क्रॉसओवर का संकेत दे रहा है, जो एक अहम मूविंग एवरेज से ऊपर इंडेक्स के साथ मेल खाता है। निफ्टी अब हमें ऊपर की ओर 21,750 से 21,800 की तरफ जाता दिख सकता है, जबकि नीचे की तरफ इसके लिए 21,500 पर सपोर्ट दिख रहा है। डेली चार्ट पर देखने से पता चलता है कि बैंक निफ्टी ने हाल ही में कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिया है। निफ्टी लगातार अहम मूविंग एवरेज से ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स डेली चार्ट पर एक बुलिश क्रॉसओवर देता दिखा है। बैंक निफ्टी के लिए अब 48,000 पर सपोर्ट दिख रहा है। वहीं ऊपर की ओर अब इसमें 48,500 से 48,800 का टारगेट देखने को मिल सकता है।